क्लास एट कैसे हैं बेटा आप सभी सभी बच्चे अच्छी तरह से हैं। एट क्लास सभी बेटा सारी बुक आपने कंप्लीट करनी है, सारे पेजेस करने हैं जो जो हम करवा रहे हैं, और साथ साथ आपको जो एक्सरसाइज दे रहे हैं वो भी आपको करते जाना है। तो आज का क्या है बेटा, पेज नंबर आप ओपन करेंगे 42 एंड 43। 42 में जो है आपका वो है हमारा ये स्टेप्स दिए हुए हैं बेटा। 42 में स्टेप शुरू किए, स्टेप 1 स्टेप 2, और 43 में हमें इसकी कलरिंग करनी है। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए बेटा और हम काम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इस पेज को ओपन कर लीजिए बेटा, पेज नंबर 42 एंड 43 हम कर रहे हैं आज। 42 से स्टार्ट है, स्टेप 1 में बर्ड दिखाइए और उसको बिल्कुल लाइट शेड दिया है पहले, और स्टेप 2 में थोड़ा सा डार्क किया है, और स्टेप 3 में फिर फाइनल कंप्लीट करके हमारा ये बर्ड पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से बेटा स्टेप्स को देखते हुए हमने अपने इस पेज को करना है। तो चलिए फिर पेज स्टार्ट करते हैं बेटा, और सबसे पहले हम इसमें लाइट टोन लेंगे, और लाइट में भी सबसे पहले येलो वाला जो पार्ट है हम उसको करेंगे। येलो कलर यहां करना है हमने, बिल्कुल बिल्कुल हल्का करना है आपको पानी के साथ। और इस जगह पे भी येलो करना है, स्टेप 1 में दिखाया है जैसे, और येलो का कोई पार्ट है नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं, उनका भी हम पहले लाइट शेड लेंगे और इधर करेंगे उसके, या आईज वगैरह तो हम बाद में बना लेंगे उसके साथ अपने मार्कर या स्केच पेन के साथ। ये सारा जो यहाँ का है ये हमें ऐसे ही ब्राउन करना है, कहीं पे थोड़ा डार्क है कहीं पे लाइट है। और इस तरह से इसे कर लेंगे हम सारा। बेटा हमारा जो लाइट शेड था कलर का वो हो गया, अब हम इसमें और डिटेल करते हैं। इसके साथ साथ हम जो लीव्स ये दी हुई हैं लीव्स में भी कर लेंगे, और ये जो हमारा है ट्री का जो दिया हुआ है उसमें भी कर लेंगे। तो इसमें भी इसी तरह से बिल्कुल हल्का हल्का लेंगे पानी के साथ, कलर कम पानी ज़्यादा। और आपके पास जिन बच्चों के पास वाटर कलर ना हो वो बच्चे अपना ऑयल पेस्टल्स या जो भी कलर आपके पास है उन कलर के साथ इस पेज को करेंगे। काम सभी बच्चों ने करना है बेटा। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी लीव्स। और अब ये जो हमारा ट्री का है इसमें भी हम करते हैं हल्का एक कलर ग्रेइश लिया है थोड़ा सा, ये हो गया हमारा। अब हम इन सब की डार्कनेस करते हैं। डार्कनेस में सबसे पहले हम जो इसका नेक वाला पार्ट है उसमें येलो करेंगे, येलो थोड़ा डार्क करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ब्रश के पैच दिख रहे हैं ना इसके नेक के पास, इसी तरह से लेंगे हम, और यहां भी, और इसके साथ फिर थोड़ा सा रेड टच करेंगे। फिर येलो लगाएंगे इस तरह से, ये शेड आएगा हमारा बर्ड है क्योंकि ये, तो बर्ड में थोड़ा सा हमने ये दिखाना है पैचेस यहाँ पर उसकी बॉडी पे, जिस तरह से टेक्सचर होता है
और बाकी जो ये छोटी छोटी डिटेल हैं बेटा, ये हम मार्कर और स्केच पेन के साथ कर लेंगे लास्ट में। अब ये हो गया हमारा, यहाँ भी हम रेड का टच करेंगे, थोड़ा ऑरेंजिश इफेक्ट आ जाएगा हमारा। और ये वाला जो पार्ट है इसको बिल्कुल डार्क रेड करेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा ज़्यादा लेंगे रेड। रेड ले लिया यहाँ हमने, और उसके बाद फिर अब हम इसके जो पंख हैं इसे और डार्क ब्राउन करेंगे। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करेंगे इसे। सारा बर्ड कंप्लीट होने के बाद हम इसमें डिटेल निकालेंगे बेटा, स्केच पेन से या मार्कर से। अब यहाँ पे थोड़ा ब्लू करना है हमने इसकी बीक के ऊपर, ब्राउन यहाँ भी है ऊपर इस वाले पार्ट में, वहाँ भी कर लेंगे। जो इसकी आँख है उसे हम बाद में स्केच पेन के साथ बना लेंगे। यहाँ हल्का सा ब्लू करेंगे, ये वाला पार्ट, ये इस तरह से, और इधर और येलो कर देंगे थोड़ा हम। और उसमें रेड करेंगे थोड़ा सा, अब इसे हम थोड़ा ड्राई होने देंगे बेटा। और उसके बाद सारा जो है इसकी हम स्केचिंग करेंगे, ट्री में भी कर लेंगे हम डार्क कलर थोड़ा। और लीव्स में भी करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये देखिए स्केच पेन के साथ जो ब्लैक पेन है उसके साथ या मार्कर के साथ आप किसी से भी इसकी आउटलाइंस कर सकते हैं और इसमें सारी डिटेल निकाल सकते हैं। बर्ड में जो इसके पंख हैं, पंख के साथ आँख है, चोंच है, ये सब चीज़ में जो भी डिटेल वर्क है यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से आप अपने इस पेज को करेंगे। और इसमें बेटा मैंने ब्लैक जो पतला ब्लैक पेन होता है उससे इसकी आउटलाइंस करी हैं। आपके पास स्केच पेन है आप स्केच पेन से कर लीजिए, और अगर मार्कर से करना चाहें तो मार्कर से कर सकते हैं। और इस पेज को बेटा आप कंप्लीट करेंगे और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।